पाताल लोक की सैर और चार चुड़ैल परियां। चुड़ैल की महारानी चुड़ैल साथियों से बोलती है, तुम लोग इस लोक में मेरी बहुत सेवा कर चुके हो। मैं इंसानों को खा खा कर पक चुकी हूँ। अब मेरा मन करता है कि मुझे तुम लोग कुछ और खिलाओ। महारानी, आपको पृथ्वी लोक का तो हमने सब कुछ खिला दिया, अब आप ही बताओ हम कौन से लोक में जाकर आपके लिए खाने का बंदोबस्त करें। और स्वर्ग लोक तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों का जाना सख्त मना है, क्योंकि हम में से वहाँ पर जो भी गया है आज तक लौट कर नहीं आ सका। हाँ, तुम बात तो सही कहती हो। मैंने पहले भी बहुत सी चुड़ैलों को कहा है कि वो स्वर्ग लोक जाएं और वहाँ से मेरे लिए कुछ अच्छा खाने को लेकर आएं, लेकिन कोई भी वहाँ से वापस नहीं लौटी। लगता है सब की सब वहीं पर बंदी बना ली गई हैं। तो महारानी, आप ही बताओ हम अब क्या करें। तुम अब पाताल लोक का भ्रमण करो, और अगर वहाँ पर हमारे लिए कुछ अच्छा सा मिल जाए तो वो लेकर आओ। एक बात का ध्यान भी रखना कि अगर पाताल लोक में तुमको ये लगे कि हम लोग वहाँ पर जाकर अब रह सकते हैं तो भी बताना। पर महारानी, वहाँ जाएगा कौन? ये काम मेरे गिरोह की चार चुड़ैल बहने करेंगी, जो बहुत ही अच्छी हैं और चालाक भी हैं। जाओ, तुम उन चारों चुड़ैलों को बुला कर लेकर आओ। फिर चुड़ैल उड़ते हुए चुड़ैलों के इलाके में जाती है और कहती है, सुनो, तुम चार चुड़ैल बहनों को महारानी ने बुलाया है, तो जल्दी से उनके पास चलो। और चारों चुड़ैल बहन महारानी के पास जाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे लिए पाताल लोक जाओ और वहाँ पर जाकर ये देखो कि हमारा जीवन यापन वहाँ पर हो सकता है या नहीं, और वहाँ से हमारे लिए कुछ कीमती उपहार भी लेकर आना। महारानी, हम पृथ्वी लोक के अलावा किसी लोक में नहीं गए हैं। हमें तो डर लग रहा है, लेकिन आपकी आज्ञा है तो हम अपने प्राणों की बाजी भी लगा देंगे। हम पाताल लोक जरूर जाएंगे। फिर क्या था, चारों चुड़ैल परी का भेष बदल कर पाताल लोक की तरफ निकल पड़ती हैं। चारों आपस में बात कर रही थीं। पाताल लोक के बारे में मैंने बहुत बार सुना है, वहाँ के लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। मुझे तो वहाँ जाते हुए डर लग रहा है। तो है ही एक नंबर की डरपोक, खुद तो डरी हुई है, हमें भी डरा रही है। अरे, ये तो बहुत अच्छा मौका है। हम अपनी मर्जी से तो नहीं घूम सकते, और महारानी ने हमें इस काम के लिए चुना है, तो ये तो सोने पर सुहागा हो गया। हम वहाँ पर जाकर खोजबीन करेंगे और जो कुछ भी अच्छा मिलेगा वो महारानी को भेंट कर देंगे। हाँ बहन, तेरी बात बिल्कुल सही है, ये तो हमारे लिए सच में अच्छा मौका है बहुत खुद को सबसे बेहतर साबित करने का। फिर चारों चुड़ैल परी पाताल लोक के लिए जल में उतरती हैं और नीचे की तरफ जाने लगती हैं। वो समुद्री जीवों को देखकर बोलती हैं, अरे देखो, यहाँ तो पृथ्वी से भी अच्छे जीव है। ये देखो चमकती मछलियाँ, बहुत सारे पैरों वाला ऑक्टोपस, इतना विशाल कछुआ, कितना कुछ है यहाँ पर, इतना तो पृथ्वी लोक में है ही नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ से इनको उठाकर महारानी के पास लेकर चलते हैं और उन्हें कह देंगे कि पाताल लोक में इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं था। अरे, तुमने महारानी को पागल समझ रखा है क्या? वो हमें देख रही होंगी कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। भले ही वो हमारी बात ना सुन सके, लेकिन हम पर नजर जरूर बनाए होंगी। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, महारानी हम पर ऐसे ही विश्वास नहीं करती हैं। वो हम सबको देखती रहती हैं कि हम क्या क्या करते हैं। आखिरकार चारों चुड़ैल परी पाताल लोक पर पहुंच ही जाती हैं और पाताल लोक के दरवाजे पर खड़ी होती हैं। तभी उन्हें एक आवाज आती है, पाताल लोक आने का मकसद बताओ। हमें पाताल लोक में घूमना है। चुड़ैल परी सोच में पड़ जाती है कि वो क्या बताएगी। फिर एक चुड़ैल परी बोलती है, हमने सुना है पाताल लोक से सुंदर लोग कोई नहीं है। पाताल लोक का एक नियम है कि तुम ना तो बाहर से कुछ अंदर लेकर जा सकते हो और ना ही कुछ अंदर से बाहर लेकर आ सकते हो। क्या तुम्हें ये नियम मंजूर है? तब चुड़ैल आपस में बातें करती हैं।
अरे इसकी बातें छोड़ो, हम अपनी शक्ति से इनकी शक्तियों को कमजोर कर देंगे और जो कीमती सामान होगा उसको लेकर अपनी रानी के पास जरूर जाएंगे, ये हमें रोक नहीं पाएंगे। तब चुड़ैल परी कहती है, हाँ हाँ हमें ये सब कुछ मंजूर है, हम अंदर कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे और ना ही अंदर से कुछ बाहर लेकर आएंगे। अरे ये तो सब कुछ सोने का ही है, ये घर भी सोने का, पेड़ सामान सब सोने का, यहाँ के लोग तो बहुत अमीर दिखाई पड़ते हैं, पाताल लोग तो सच में स्वर्ग जैसा लग रहा है। हाँ बहन तुम सही कह रही हो, यहाँ की इतनी चमक दमक देखकर तो मेरा मन करता है कि मैं यहीं रह जाऊँ। क्या तुम लोग भूल गए हो कि हम यहाँ महारानी के उद्देश्य से आए हैं, और तुम ये उद्देश्य मत भूलो। फिर चारों चुड़ैल परी पाताल लोक में भ्रमण करती हैं। फिर वो देखती हैं कि पाताल लोक के आदमी भी इंसानों जैसे ही थे। तब वो आपस में बोलती हैं, हम तो बेकार ही डर रहे थे, पाताल लोक के व्यक्ति तो पृथ्वी लोक जैसे ही हैं, इनको हरा पाना कोई बड़ा खेल नहीं है, हम आज रात यहीं पर विश्राम करते हैं और कल से अपना काम शुरू करते हैं। चारों चुड़ैल परी एक जगह बैठकर बात कर रही होती हैं। तभी एक व्यक्ति उड़ता हुआ उनके पास आता है। क्या तुम ही वो चार परी हो जो बाहर से आई हो? महाराज ने तुमको बुलाया है। अरे तुम्हें हमारे आने का पता भी चल गया? जो पाताल लोक आता है हमें उनके आने का पता चल ही जाता है, अब चलो महाराज के पास। चारों चुड़ैल परी महाराज के सामने जाती हैं। पाताल लोक में आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? महाराज हम आपके यहाँ शरणागत बन कर आए हैं, हमारी महारानी ने हमें यहाँ पर इसलिए भेजा है ताकि हम परी लोक और पाताल लोक के रिश्ते को मित्रता में बदल सकें। तुमने सही किया, तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो, पाताल लोक हमेशा सभी प्राणियों के लिए खुला है, परी आप चारों अब आराम कर लीजिए। फिर चारों चुड़ैल परी अतिथि गृह में चली जाती हैं। वहां जाकर कहती हैं, आज रात हम चारों चुड़ैल इन सबको अपने वश में कर लेंगे और यहाँ पर कब्जा कर लेंगे, ये हमारे देश को पहचान नहीं पाए। लेकिन वो नहीं जानती थीं कि पाताल लोक के राजा उनकी ये बातें सुन रहा था। पाताल लोक का राजा अपने लोगों से कहता है, हमारी चारों अतिथि चुड़ैल हैं जो हमारे साथ गलत करने आई हैं, तो तुम लोग इस तरह से नाटक करना जैसे तुम उनके वश में हो, और हम उन चुड़ैलों को अपने वश में कर लेंगे। राजा की बात सुनकर सब लोग ऐसा ही करते हैं और रात में सब सोने का नाटक करने लगते हैं। तभी चुड़ैल परी उड़ती हुई आती है और कहती है, सुनो एक एक करके सबके घर में जाओ और अपने जादू से सबके ऊपर जादू करो, फिर यहाँ के राजा को हटा कर हम उस राजगद्दी पर बैठ जाएंगे और हम यहाँ पर राज करेंगे और महारानी को यहीं पर ही बुला लेंगे। चारों चुड़ैल परी ऐसा प्लान बनाकर सबके घरों में जाती है और अपना जादू उनके ऊपर छोड़ती है। चुड़ैल परी को लगता है कि उनका जादू पाताल लोक के लोगों पर काम कर रहा है, लेकिन वो सब झूठा ढोंग कर रहे थे। अगली सुबह चुड़ैल परी राजगद्दी के पास बैठी होती है। सभी लोग आते हैं। महारानी, नई महारानी के लिए क्या आदेश है? ऐसा सुनकर चुड़ैल परी खुश हो जाती है। उन्हें लगता है कि अब उन्होंने उन पर कब्जा कर लिया है। अब हम तुम्हारी महारानी हैं और तुम अपने महाराज को बंदी बनाकर एक पिंजरे में डाल दो। ठीक है महारानी। फिर वो लोग चुड़ैल परी के पास एक पिंजरा लेकर आते हैं। तुम लोग यहाँ इस पिंजरे को क्यों लेकर आए हो? इसमें अपने राजा को बंदी बना दो। महारानी हम इसमें राजा को बंदी एक ही शर्त पर बना सकते हैं। हमारे पाताल लोक का नियम है कि जो भी राजा बनेगा और उसके जो भी ईमानदार मंत्री होंगे वो सब इसमें एक घंटा गुजारेंगे ताकि उनकी समस्त शक्तियाँ इस पिंजरे में आ जाएं। अभी राजा की शक्तियाँ पिंजरे में हैं, तो ये उन्हें कैद नहीं करेगा। तब चालाक चुड़ैल परी सोचती है, अगर मैं अपनी तीनों बहनों को लेकर इसमें चली जाऊँ तो फिर ये तीनों भी मेरी गुलाम होंगी। फिर वो उन तीनों को लेकर उसमें चली जाती है। जैसे ही चारों चुड़ैल परी पिंजरे में जाती हैं, पातालवासी बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं। चुड़ैल परी अपने असली रूप में आ जाती है और वो जैसे ही उस पिंजरे को छूती है उनको एक जोर का झटका लगता है
तभी वहां पर राजा आता है। दुष्ट चुड़ैलों, तुम्हें क्या लगा परी बनकर तुम हमें बेवकूफ बना लोगी? तुमको क्या लगता था कि तुम ऐसे सम्मोहन करके हम लोगों के राज्य को अपने वश में कर लोगी? अब तुम ही हमारे यहाँ पर बंदी बनकर रहोगी और अब हम तुम्हें कभी रिहा नहीं करेंगे। महाराज, हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई, अब हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। मेरे यहाँ क्षमा याचना का कोई नियम है ही नहीं, अब तुम यहाँ पर ही कैद रहोगी। और चारों लालची चुड़ैल परी वहाँ पर कैद हो जाती हैं।